और अब करेंगे इस वक्त कुछ बड़ी खबरों की तरफ। खबर कानपुर से है, जहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म काले के विवादित पोस्टर को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फिल्म की डायरेक्टर लीना और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सद्बुद्धि के लिए माँ काली के मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया था। और अब खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाने में हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी विशुनपुरा थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप राय के नेतृत्व में परेड कराई गई। मौके पर आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लग्जरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पर तरिया सुजान प्रभारी निरीक्षक का कपिल देव चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी लोग मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में लग गए। खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद और बकरा ईद को लेकर जिले की पुलिस नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं कोतवाली प्रभारी अनुपम भारती ने बताया कि बकरा ईद के बाद जुमे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और अब खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर कस्बा मिश्रिक के परसौली चौराहे पर केवीए के ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने के कारण उसमें अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर को जलते देख हर इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद इस घटना की सूचना तुरंत विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर की सप्लाई काट दी और इस घटना के कारण करीब 30 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर एक अनियंत्रित पिकअप रोड के किनारे पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 35 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 7 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा बाइक को बचाने के दौरान ही हुआ और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गंभीर आरोप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरी घटना धीरा थाना क्षेत्र के कमलापुर की बताई जा रही है। और अब खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर टूडला नगर पालिका में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि 5.5 महीने से वेतन न मिलने से उनके घर में खाने पीने और बच्चों की स्कूल की फीस का संकट गहरा गया है। और अब खबर कश्मीर के संगोर से सामने आ रही है, जहां पर हर साल भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत जर्जर हो जाती है। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क पर पत्थरों के ढेर लग जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों और चिकित्सा दुकानदारों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब खबर सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर वीआईटी कॉलेज के हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। बता दें कि यहाँ 6 बीटेक सेकेंड ईयर के बताए जा रहे हैं और जिन पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। दूसरे वर्ग ने इस मामले की शिकायत पुलिस को की थी और जिसके बाद कॉलेज परिसर में पुलिस और एसएसटीएफ टीम की तैनाती कर दी गई है। हनुमान दादा के श्री चरणों में नमन करती हूँ, सभी को जय श्री राम। अभी ज्ञात हुआ है कोटरी के पास वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। ये घोर निंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर संज्ञान लेंगे, ऐसी आशा है। क्योंकि पूरे देश में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन में प्राचार्य या सरकारी अधिकारी कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये मैं जनहित में और आम जनता से मांग करता हूं कि इसका घोर विरोध करें। खबर गोंडा से सामने आ रही है, गांव की बबई तहसील के अमरा गांव में रुपए को लेकर परिवार के लोगों ने अपने ही घर में बुजुर्ग सदस्य की हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को डंडे से बुरी तरह से पीटा, जिससे बुजुर्ग की गंभीर चोटें आ गई और बुजुर्ग की हालत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना यही हुई थी, लड़ाई भाई। अच्छा,
किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? पैसे के लिए। पैसे के लिए वो बोल रहा है तो पैसा नहीं लिया है, वो कह रहा है तो मेरा पैसा लिया। अच्छा, फिर और साहब मैं नहीं जानती लिया है कि नहीं लिया, यही का मैं नहीं बता सकता। अच्छा, किसने मारा है इनको? मारा है परिवार के, परिवार के लोग मारे। नाना जी है, मेरे नाना जी को मार दिया है रामू सामू ने। जबराइन बोल रहा था कि 10,000 रुपए दे दो, वकाहा नहीं मार दूंगा जान से। तो वो उसी में नाना बोल रहा था कि तुम मेरे हुए नहीं है कोई, तुम जाइए मेरे दरवाजे पर माना मानना। तीसरी में दूसरे तीसरे रोज लड़ते हैं इन लोग दारू पी के और गाड़ी गाड़ी और देते हैं सब लोगों को। और उसके बाद नाना को मारा डंडा चढ़ा कर छाती पे लग गया उनको। हाँ। और कोई सुनवाई बकरीद के चलते बाजारों में काफी रौनक दिखाने को मिल रही है और दुकानें खाद सामग्री से सज गई हैं। आपको बता दें कि वहीं उन्नाव के मौलाना शेख काजी लोगों से प्रशासन की है कि गाइडलाइंस के मुताबिक बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि जिन जानवरों की कुर्बानी की प्रशासन से इजाजत नहीं है उनकी कुर्बानी ना की जाए। देखिए, हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन है वो ये है कि जिन जानवरों की कुर्बानी मना है उन जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तो खैर, हम उसका पालन करते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमीन में जिन जानवरों की कुर्बानी की ममानियत आई है उन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती और खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हम इसका भी पालन करते हैं कि कुर्बानी जो कि चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि वो गोश्त वगैरह अगर इधर से उधर तकसीम किया जाता है तो उसे ढक कर जो कि मतलब हम इसका भी अपनी आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो गोश्त बांटा जाए अपने रिश्तेदारों में या गुरबा फकीरों में तो उसे भी ढक कर बांटा जाए, किसी तरह का ऐसा माहौल न होने पाए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। इस गाड़ी खड़ी है। खबर बदायूं जिले से सामने आ रही है जहां पर बदायूं जिले के बिसौली से है जहां पर सरकारी खदान में धांधली का मामला सामने आया है। कोठीदारों का आरोप है कि सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को जो गेहूं वितरण करने के लिए आया था वो पानी से भीगे हुए हैं जिसके कारण इसका वजन अधिक हो जाता है। इसकी शिकायत मिलने पर मौके पर बिसौली खाद पूर्ति अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। ये जो गाड़ी खड़ी है ये कल से टपक रही है और हमने सप्लाई दफ्तर में शिकायत कर दी है। मैम डब आ रही है, बाबूजी आ रहे हैं। क्या है गाड़ी में? गेहूं है, पानी पड़ा हुआ है। गेहूं का प्रेशर लगा के लाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों फरार हैं। पानी डाल के लाते हैं जी? क्यों पता नहीं क्यों लाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए। हम लोगों को इसमें नुकसान होता है। समस्या ये है, ये गाड़ी जो खड़ी है गेहूं की वो पानी मार के लाई गई है। क्या रही इसमें गल्ला जो ज्यादा वेट बैठता है और गेहूँ होता है कम। अच्छा, पूरी गाड़ी भीगी हुई। शिकायत थी किसी ने? और ट्रैक्टर जो ट्रक का ड्राइवर है और कंडक्टर है वो गाड़ी लॉक करके भाग गया। मुझे जानकारी मिली थी ट्रकों में जो गोदाम से वो गल्ला आ रहा है वो गीला पहुंचाया जा रहा है। कोठीदारों द्वारा जानकारी जब प्राप्त हुई तो मैं पहुंची हूँ, यहाँ पे स्थिति देख रही हूँ। बोरियों से निकलवा के गेहूँ मिला है, गेहूँ में निकलवा के उसका सैंपल लिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसी आधार से कार्रवाई होगी। बिजौर से सामने आई है, बिजौर के DIG शलभ माथुर ने आगामी त्योहारों कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया है और इसके साथ ही शहर में पुलिस द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने जनता से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न करने की भी अपील की है। आज मोटा पानी जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उत्तराखंड की तरफ की रास्ता जाता है जहाँ से कांवड़ के आनंद वहाँ पे क्या तैयारी, उसके बाद खाना अभी करके वहाँ का त्यौहार इत्यादि का अवलोकन करके अभी नांगल में जो ग्राउंड लेवल पे अधिकारी वर्क करेंगे। उत्तराखंड के जो क्षेत्राधिकारी माना गया था हमारे यहाँ से सारी टीम और साथ ही में केनियन से भी साथ सभी लोग के साथ मीटिंग की गई और किस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, किस हिसाब से ट्रक डाइवर्टिंग रहेगा, रेलवे के ऊपर बसों के ऊपर जो यात्री आएंगे बसों को कैसे संचालित करना है, आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं को कैसे बाधित ना होने देना है, पब्लिक में किस तरह से अवेयरनेस करनी है, किस साइट के ऊपर जो सेवा केंद्र हैं वो लगेंगे, डाइवर्जेंस किस तरीके से होंगे, इत्यादि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं
सभी को और साथ ही जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं कल सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी यहाँ पर की गई। खबर बिजनौर से सामने आई है। बिजनौर के थाना रेड़ा क्षेत्र से खबर बताई जा रही है जहां पर चारा लेने गए लापता युवक का शव नदी में पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। रहने वाला हूं। मेरा ये मेरा भाई है और ये कल 2 बजे से क्या नाम था इनका दिग्विजय सिंह। अच्छा तो ये पशुले चारे लेने गए थे। ये पशु जब घर वालों ने तलाश की तो पीली डैम पे नंबर गेट पे एक वहाँ पे लाइट लगी।